हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी एडिशन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चंडीगढ़ T20 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर रॉक जॉन वर्सेस टेरेस जॉन के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं इस मैच की। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरी कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ लंका प्रीमियर लीग के वीडियो मिल जाएंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज टूर्नामेंट के वीडियोज मिल जाएंगे, और भी कई सारे टूर्नामेंट चल रहे हैं और सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। तो जल्दी से को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बात करते हैं इस मैच की। तो यह मैच सुबह में 9:30 पर सेक्टर 16 स्टेडियम चंडीगढ़ में खेला जाएगा, जहां पर पिच रिपोर्ट की बात करूं तो ये वैसे इक्वली सपोर्टेड पिच है। हालांकि रन यहां पर ठीक ठाक बनते हैं, लेकिन 190 अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर हाईएस्ट स्कोर रहा है। मैंने यहाँ पर 130-140 के आसपास ही मेंशन किए हैं, और इसी के इर्द गिर्द ही स्कोर बनेगा। रेयर केस में यहाँ पर इससे ज़्यादा स्कोर हो सकता है, और बाकी तो यहाँ पर 130-140-150 के आसपास ही स्कोर बनता हुआ दिखेगा, और चेंजिंग के आंकड़े अभी तक के इक्वली है। बाकी जैसे जैसे मैचेस होती जाएंगी वैसे वैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहेगा। बाकी बात करें हम लोग यहाँ पर सबसे पहले RKZ की, तो RKZ की अभी तक दो मैच हुई हैं, जहाँ पर एक मैच वो हारी और एक मैच उनका अबांडोनेट हो गया। ओपनिंग की बात करते हैं तो ओपनिंग में यहाँ से हरनूर सिंह के साथ यहाँ पर शिवम भामरी ने ओपनिंग करवाया। अभी देखो हरनूर सिंह का तो मुझे इतना ज़्यादा सजेसेबल नहीं है, वैसे 5 मैच के अंदर इसके 44 रन है। बाकी रेगुलर ओपनर बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करवा लेता है, भरोसा करना चाहो लेके जाना चाहो तो जा सकते हैं। वैसे लास्ट मैच के अंदर उन्होंने 24 रन की एक पॉजिटिव पारी खेली थी, तो भरोसा कर सकते हैं। बाकी शिवम भामरी को मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, 19 मैच के अंदर करीबन 31 के एवरेज से 500 से ज़्यादा रन है, लास्ट मैच के अंदर सिर्फ 1 ही रन बना पाए, तो ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड बनेगा, लेके जाएंगे। इनके अलावा ऐसे संचित शाहू जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, डेफिनेटली लेके जाना है। लास्ट मैच के अंदर 28 रन की ओवरऑल 67 मैच के अंदर करीबन 45 के एवरेज से 2337 रन है, भरोसा पूरा रहेगा हमारा भरोसा इनके ऊपर पूरा रहेगा, यहाँ पर संचित शाहू के ऊपर। इनके अलावा ऐसे करण कायला की बात करते हो, करण कायला हमारे लिए एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। वैसे रेगुलर थोड़े से नीचे खेलते, लास्ट मैच के अंदर 4th नंबर पर इनको खेलने का मौका मिला, जहाँ पर बैटिंग से तो कुछ खास नहीं कर पाए, साथ में 3 ओवर्स की गेंदबाजी भी की, वहाँ पर भी कुछ खास नहीं कर पाए। ओवरऑल 25 मैच के अंदर करीबन 25 के एवरेज से 200 रन है, 28 विकेट है, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों इसे यहाँ पर तगड़ा एडवांटेज देगा यहाँ पर करण कायला, तो डेफिनेटली आप लोग इनको लेके जा सकते हैं। बाकी बात करें हम लोग यहाँ पर कुणाल महाजन ओके रहेंगे, GL में ट्राई करोगे आप लोग इनको। वैसे लास्ट मैच के अंदर इन्होंने भी यहाँ पर 19 रन की एक अच्छी पारी खेली थी, साथ में यहाँ पर रमन बिश्नोई दिखेंगे जो कि लास्ट मैच के अंदर सिर्फ 1 रन बना पाए, और ये भी यहाँ पर ठीक ठाक रहेंगे, इनको भी आप लोग डिफरेंशियल में GL वगैरह में ट्राई कर सकते हैं। हालांकि ये बंदा कभी कभार यहाँ पर 1-2 ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकता है। हरीश कुमार ने लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी की, जहाँ पर वो विकेट लेस रहे, ओवरऑल 21 मैच के अंदर 18 विकेट है, करीब 16 के एवरेज से यहाँ पर 290 रन भी, बैटिंग भी ठीक ठाक करवा लेते हैं, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं इनको, और आप लोग लेके जाना चाहो तो जा सकते हैं। बाकी बात आती है ऐसे नील धालीवाल की, जो कि इंपॉर्टेंस रहेंगे, लास्ट मैच के 29 रन किए, लेकिन मेरी एक्सेप्टेशन इनसे बैटिंग से नहीं है, इनसे बॉलिंग से। ओवरऑल 3 मैच के अंदर 5 विकेट है, इससे पहले की बात करो तो यहाँ पर 10 ओवर्स की उन्होंने गेंदबाजी करवाई हुई है, रेगुलर यहाँ पर 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी करवाएगा, राइट आर्म मीडियम पास गेंदबाजी यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। इनके अलावा ऐसे सतीश भारद्वाज वेरी इंपॉर्टेंट पिंग विकेट टेकर गेंदबाज है, और मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि इस टूर्नामेंट से पहले वो जो आखिरी मैच खेले वहाँ पर इन्होंने एक इनिंग के अंदर 7 विकेट निकाली हुई है, भरोसा कर सकते हैं यहाँ पर इनको। सतीश भारद्वाज हमारे लिए इंपॉर्टेंस रहेंगे। इनके अलावा ऐसे प्रिंस सग्गू वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाना है। इनके अलावा ऐसे एक प्लेयर है यहाँ पर शुभम सेवखंड, वैसे जहाँ पर मेरे रिकॉर्ड्स जहाँ पर इनका रिकॉर्ड्स मुझे मिला है वहाँ पर उन्होंने ओपनिंग करवाई हुई थी, जहाँ पर करीबन 38 के वजह से 260 रन थे, लेकिन लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से वो 11 नंबर पर आए, तो शायद यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट तो लगेगा बैटिंग से, लेकिन बॉलिंग ये रेगुलर 3-4 ओवर्स की गेंदबाजी पूरी करवाएंगे शुभम सेवखंड, तो इनके ऊपर डेफिनेटली आप लोग भरोसा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर शुभम सेवखंड के साथ यहाँ पर नील धालीवाल स्टार्ट किए थे, और डेथ ओवर्स में यहाँ पर हरीश कुमार के साथ सतीश भारद्वाज डेथ में आए थे। बाकी यहाँ पर बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलते हैं, तो जल्दी से आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है।
बात करें हम लोग यहाँ पर टी जेड की, टी जेड ने भी दो मैच खेले, जहाँ से एक मैच वो हारी है और एक मैच उनका अबंडन रहा, तो दोनों ही अभी तक मतलब एक भी जीत हासिल की नहीं दोनों ही टीम ने, तो आज हमको कोई ना कोई एक विजेता जरूर मिलेगा। अभिजीत गर्ग ने यहाँ पर तरनप्रीत सिंह के साथ ओपनिंग करवाया। देखो तरनप्रीत सिंह की बात करूँ तो बैटिंग से तो इनका ठीक ठाक एडवांटेज है, लेकिन बॉलिंग ये तगड़ी करवा लेते हैं। 68 मैच के अंदर 99 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडो गेंदबाज है, डेफिनेटली आप लोग इनको लेके जा सकते हैं। बाकी अभिजीत गर्ग की बात करूँ तो अगर कोई चॉइस है मिले तो ट्राई करेगा, वैसे ठीक ठाक है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास करियर की बात करूँ तो 4 मैच के अंदर 116 रन है। इनके अलावा वैसे अरिजीत सिंह, अरे भाई गाते गाते कहाँ पर आ गए हैं, तो आई थिंक देखो ये विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, और ये अरिजीत सिंह वो वाले नहीं है मतलब जो हर मूवी के अंदर जो एक हिट गाना देते वो वाले अरिजीत सिंह नहीं है, ये वाले यहाँ पर अलग है। विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, 15 मैच के अंदर करीबन 29 के एवरेज से 260 रन है, लास्ट मैच के अंदर इन्होंने 24 रन की एक अच्छी पारी खेली। तो देखो दो विकेट कीपिंग सेक्शन में दो ऑप्शन है हमारे पास, दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, तो आई थिंक चाहो तो दोनों विकेट कीपर को लेके जा सकते हैं, और अगर एक आधे विकेट कीपर को अगर ड्रॉप करना रहा तो थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। चैतन्य शर्मा को मैं सजेस्ट जरूर करूँगा, 84 मैच के अंदर करीबन 43 के एवरेज से 2983 रन है, 81 विकेट है, भरोसा कर सकते हैं। वैसे लास्ट मैच के अंदर ओवर्स करवाई नहीं उन्होंने, लेकिन आई थिंक आगे वे ओवर्स करवा सकते हैं। भगमेंदर लथेर की बात करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पिक, कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, टीम के भी कप्तान है और हमारी टीम के भी ऐसे कप्तान रह सकते हैं ऐसे भगमेंदर लथेर। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, यहाँ पर 12 मैच के अंदर करीबन 54 की एवरेज से 160 रन है, 8 विकेट, 31 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए निकले। वैसे अमृत लुबाना की बात करते हैं जो कि लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे, 3 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई, और इससे पहले पहले मैच के अंदर 21 रन किए थे। इससे पहले अगर टूर्नामेंट से पहले की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ फर्स्ट क्लास करियर के आपके आंकड़े दिखेंगे, जहाँ पर एक बार 36 रन है, एक बार 57 रन है, 10 रन है, यहाँ पर 10 रन है, यहाँ पर 20 रन है, और बाकी बॉलिंग से तो ज़्यादातर ये विकेट लेस ही गए, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। बाकी निखिल शर्मा को आप लोग लेके जा सकते हैं, वैसे लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से नीचे आए, ओवर्स करवाई नहीं, आई थिंक ये ओवर्स करवाने चाहिए थे, तो निखिल शर्मा के ऊपर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं, आई थिंक टीम को जरूरत पड़ने पर यहाँ पर एक दो ओवर्स की गेंदबाजी करवाएंगे। राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, वैसे लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से काफ़ी नीचे आए, आई थिंक ऊपर आने चाहिए थे, ये चौथे पाँचवें नंबर पर आने चाहिए थे, तो ये एक रिस्की रहेगा। निखिल शर्मा ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क इनको लेके जाने में है। बाकी निपुण शारदा की बात करें, निपुण शारदा 67 मैच के अंदर करीबन 31 के एवरेज से 1745 रन है, 14 रन किए इन्होंने लास्ट मैच के अंदर, और करीबन 22 के एवरेज से 3 विकेट भी है। आर्यन दुग्गल जो कि लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे, ओवरऑल 5 मैच के अंदर 4 विकेट है, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, लेकिन ओवर्स इन्होंने 2 ही करवाई थी। बाकी रविंद्र पाल सिंह जिनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स वगैरह तो मिले नहीं, लेकिन लास्ट मैच के अंदर इनका परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा रहा, तो इसके लिए हम लोग इनको लेके जाएंगे। और मनदीप सिंह को डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते, वैसे लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट इन्होंने निकाली, और डेथ ओवर्स में भी आए थे यहाँ पर मनदीप सिंह, ध्यान में रखिएगा इसको। स्टार्टिंग में यहाँ पर आरपी सिंह, ये भी अपने पुराने वाले आरपी सिंह नहीं है, वो रुद्र प्रताप सिंह थे, और ये है यहाँ पर रविंद्र पाल सिंह। आरपी सिंह और ए दुग्गल यहाँ पर स्टार्ट किए डेथ ओवर्स में, यहाँ पर मनदीप सिंह और बी लथर ने यहाँ पर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की। बाकी बेंच में से भी कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आप लोग को उसी लिंक से ज्वाइन करना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना है, और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो भाई ऐसे विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करो, मैंने दोनों को लिया है, एस शाहू और ए सिंह, आप लोग चाहो तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन दोनों यहाँ पर तगड़े प्लेयर हैं, तो इसके लिए मैं भरोसा कर रहा हूँ। और बैटिंग सेक्शन की बात करो तो यहाँ पर एस पंबरी, इनके साथ यहाँ पर टी सिंह रहेंगे, बाकी ए गर्ग यहाँ पर टॉप में खेले थे तो भरोसा करना चाहो तो कर सकते हैं। एस सिंह को यहाँ से बहुत सारी पब्लिक लेके जा रही है, तो इनके पर भी भरोसा कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ पर ए दुग्गल डिफरेंशियल में रिस्की रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर के कायला है, एन धालीवाल है, आरपी सिंह और इनके साथ यहाँ पर बी लथेर हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी कुछ ऑप्शंस मैंने आपको वीडियो के अंदर दिए हुए, खासतौर पर एक तो यहाँ पर निखिल शर्मा को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी तगड़ा प्लेयर है, अगर जल्दी इनको खेलने का मौका मिला या फिर थोड़ा सा वक्त मिला अगर खेलने के लिए तो एक बड़ा एडवांटेज दे सकता है। इनके अलावा ऐसे बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर पी सग्गू, एम सिंह और भारद्वाज रहेंगे। यहाँ पर हम लोग शिवकांड को ट्राई कर सकते हैं, और बाकी हरीश कुमार और सी शर्मा जो है यहाँ पर इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं आप लोग। चैतन्य शर्मा ये भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बैटिंग वगैरह करवा सकता है, यहाँ पर बॉलिंग भी करवा सकता है काफ़ी तगड़ी, तो इनके ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं। टीम की बात करते हैं तो कप्तान हमारे रहेंगे ऐसे बी लथेर, वाइस कैप्टन की बात करूँ तो यहाँ पर टी सिंह रहने वाले हैं। इनके अलावा ऐसे बात करूँ तो यहाँ पर के कायला को भी आप लोग ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, और बाकी के ऑप्शंस मैंने आपको वीडियो के अंदर दिए, तो कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहो तो वीडियो को एक बार अच्छे से देख सकते हैं। बाकी आप लोग
वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़िए क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम में ही देने वाला हूँ, तो जल्दी से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।